सीधी जिले की जमोड़ी थाना क्षेत्र में सोमवार को एक युवती की दिन दहाड़े धारदार हथियार से हत्या कर दी गई। पुलिस ने शव अपने कब्जे में लेकर आरोपियों की तलाश शुरू कर दी है। वही हत्या की वजह अभी सामने नहीं आई है। घटना के बाद से क्षेत्र में सनसनी का माहौल बना हुआ है। जिले के जमोड़ी थाना इलाके के पनवार गांव जहान टोला में एक 20 वर्षीय युवती की घर में घुसकर धारदार हथियार से हत्या कर दी गई। युवती के गले और हाथ में गंभीर चोटें आई हैं, जिसकी वजह से युवती ने घटनास्थल पर ही दम तोड़ दिया। सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। मौके पर डॉग स्क्वाड की मदद से आरोपियों की तलाश की जा रही है। हत्या की वजह फिलहाल अज्ञात बताई जा रही है। मामले में एसपी अंजुलता पटले का कहना है कि प्रथम दृष्टया हत्या प्रतीत हो रहा है। साक्ष्य जुटाए जा रहे हैं। युवती की हत्या धारदार हथियार से की गई है, जिसकी जांच में पुलिस फिलहाल जुटी हुई है। जमोड़ी के तहत पनवारी जो है चौहानी टोला जो विलेज है, इस विलेज में जो है रीना शुक्ला नामक बालिका है, जिसकी उम्र लगभग 20 वर्ष की होगी। इस पर किसी अज्ञात व्यक्ति के द्वारा जो है धारदार हथियार से इस पर हमला किया गया। पुलिस घटनास्थल पर पहुंच चुकी है और संपूर्ण जो मामला है उसको विवेचना में ले लिया गया है और कुछ देर पश्चात इसको पीएम होकर रवाना किया गया। प्रथम दृष्टया निश्चित रूप से ये हत्या का मामला है और हम छानबीन में लगे हुए हैं कि क्यों हत्या थे और परिवारजनों से क्योंकि शोकाकुल है तो अभी उतना अधिक बातचीत भी नहीं हो पा रही। जैसे कोई तथ्य मिलेंगे तो हम अग्रिम कार्रवाई।